Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on coordinate geometry in Maths 4. Class 10 students following the CBSE and Maharashtra State Board syllabus, these videos cover essential topics such as understanding the Cartesian plane, plotting points, finding the distance between points, and determining the midpoint of a line segment. Each topic is explained clearly and concisely, making it easy for students to grasp the concepts and apply them to solve problems. The videos also provide step-by-step solutions to sample problems, giving students the opportunity to practice and improve their understanding of coordinate geometry. The aim of these videos is to help students build a strong foundation in coordinate geometry, which is an essential part of the Class 10 syllabus. By watching these videos, students can develop a deeper understanding of the subject and improve their problem-solving skills. Whether students are preparing for exams or simply want to strengthen their knowledge, these videos are a valuable resource for anyone studying coordinate geometry and mathematics. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content, and this series of videos is a testament to that dedication. बच्चे पार्टी विल स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टुडे. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? जल्दी जल्दी जल्दी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में. तो हर एक पॉइंट का आपको क्या मिलेगा? बेसिकली हर एक पॉइंट का आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट. फॉर एवरी पॉइंट यू आर गोइंग टू गेट अ कोऑर्डिनेट. ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो x और ये हो गया आपका भाई साहब y, इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट. और इसको अपन क्या बोलेंगे? एप्सिसा. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एप्सिसा. तो ये हो गया ऑर्डिनेट और ये हो गया आपका एप्सिसा. इससे होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, कुछ याद है क्या क्या पढ़ा था नाइन्थ में? सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इज एन एल्जेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री. मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, इट्स एन एल्जेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री. ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच शोज सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री. तो एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच शोज सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री. एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में सिंबॉलिक रिलेशनशिप. इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड हाउ टू लोकेट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, किसी भी पॉइंट को प्लेन में लोकेट करने के लिए वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो आपका एक ग्राफ है. ठीक है, इस ग्राफ के भाई साहब द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस. एंड द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस. ये हो गया भाई साहब आपका वाई एक्सिस. ठीक है, और ये आपका हो जाएगा भाई साहब ओरिजिन. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली द ओरिजिन. ठीक है, ये इधर क्यों हो गया भाई साहब? ओके, इधर वाला नहीं होगा. खैर, तो यहाँ पे अगर आपने समझ लो कोई पॉइंट पी लिया है और इस पॉइंट का आपका इधर डिस्टेंस कितना है? x, और इधर वाला डिस्टेंस कितना है आपका y. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x एंड y. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x और y. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली हैविंग कोऑर्डिनेट्स x एंड y व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन. कंसीडर अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस. ठीक है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा? पॉइंट x और 0. ठीक है, एनी पॉइंट विच हैज बीन लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस विल हैव कोऑर्डिनेट्स क्या क्या? एक्स एंड जीरो. ठीक है, क्लियर है? ओके, इसी तरह से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो क्या होगा कोऑर्डिनेट उसका? नहीं, वाई जीरो नहीं, जीरो वाई. ठीक है, आपका एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज जीरो वाई. ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे हो जाएगा एक्स जीरो, इसका हो जाएगा भाई साहब जीरो वाई. ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म जीरो वाई. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. तो कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला एनीबॉडी अवेयर? नहीं. ओके, समझ लीजिए आपका एक पॉइंट है एक्स वन, दूसरा पॉइंट है वाई वन. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपका. समझ लो एक पॉइंट है पी, एक मिनट, अरे एक मिनट बोला है भाई साहब. क्या भाई साहब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, एक पॉइंट है भाई साहब आपका x1 y1
और लेट्स से दूसरा पॉइंट है आपका एक्स टू वाई टू, कोई मुझे बता सकता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? बोला हो, बोला जल्दी से बोला। सो दिस विल बी हाउ मच, द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। अब ये मामला आया कहां से भाई साहब, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? तो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो लेट्स से आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है लेट्स से, ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। और लेट्स से भाई साहब यहां पे कोई पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, सो एक्स वन और ये हो गया वाई वन, ठीक है, लेट्स से और दूसरा कोई पॉइंट है यहां पे, ठीक है, ओके। अभी समझो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, इधर से एक परपेंडिकुलर भाई साहब और भाई साहब इधर से एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। सो लेट्स से ये पॉइंट हो गया आपका क्या x1 y1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस वन विल बी x1 एंड दिस वन विल बी y1, ठीक है, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ठीक है। अभी समझो भाई साहब ये वाला है, ठीक है, तो यहां पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, लेट्स से ये हो गया आपका x2, ठीक है, और इसको अगर अपन खींचेंगे इधर से तो ये हो गया लेट्स से y2, तो ये वाला पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी x2 एंड दिस वन विल बी y2, ठीक है, समझ में आ रहा है, x1 y1 और x2 y2 का भाई साहब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स से वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अपन ने क्या किया भाई साहब, इधर से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इधर और इसको ज्वाइन कर दिया। अभी ऑब्वियसली बात क्या है कि भाई साहब ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, तो ये तो भाई साहब आपका परपेंडिकुलर होना ही होना है, ठीक है। अभी इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, मुझे बताओ यहां पे बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा, एनी वन बी सी का लेंथ, देखो भाई साहब ये वाला लेंथ कितना है आपका वाई टू, है कि नहीं, ये वाला लेंथ कितना है, तो मतलब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, लेट्स से अपन ने भाई साहब यहां पे ये वाला लेंथ लिया तो ये कितना हो जाएगा वाई टू, ये वाला लेंथ कितना है भाई साहब आपका वाई वन, तो मुझे बताओ ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा, सिंपल भाई साहब, ये पूरा लेंथ है आपका कितना वाई टू, ये लेंथ है कितना आपका वाई वन, तो दिस लेंथ विल बी हाउ मच y2 minus y1, ओके। इस पे आते हैं, देखो ये पूरा लेंथ कितना है आपका, लेट्स से x2, ये पूरा लेंथ है आपका x2, ये वाला लेंथ कितना है आपका x1, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब x2 minus x1, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आप बताओ भाई साहब यहां पे आपका अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं बोलो ऐसा, ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, ए बी का स्क्वायर कितना हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, है कि नहीं, ए सी का स्क्वायर ये हो गया भाई साहब, तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, अंडर रूट हो गया भाई साहब, ठीक है, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, यही हो गया भाई साहब आपका डिस्टेंस। सो वी कैन से देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए भाई साहब, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स,
ओ भरत जी, डन डन, ओके। ठीक है, ओके। सो उस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? लेट्स से ए एंड बी, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी एक्स वन वाई वन एंड दिस बी एक्स टू वाई टू। तो अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, सो डिस्टेंस, अभी देखो जब भी हम किसी चीज का रूट निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज का रूट निकालते हैं तो उसमें हमको दोनों भी आते। जैसे मान लो अगर आपका प्लस, ये आपका भाई साहब 16 का रूट है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? प्लस माइनस 4। लेकिन डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां से जो आप डिस्टेंस निकालोगे दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे भाई साहब इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, इट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। जल्दी जल्दी फटाफट, एकदम आसान सा सवाल। डन, आर वी डन ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये कितना हो जाएगा बोलो? ए है आपका 2 3 और बी है आपका 4 1। सो देयर फॉर डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना? 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच? 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 दैट इज, आप इसको लिख सकते हैं भाई साहब 4 इंटू 2 अंडर रूट, तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब? डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू विल गेट इट एज 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 दैट इज 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। जल्दी 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 करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, एकदम हलवा सवाल है। हो गया, डन डन डन। डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच बताइए? आपका एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो एक्स टू कितना हो गया भाई साहब आपका? एक्स टू हो गया, दिस इज -1 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस वाई टू दैट इज 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कितना आपका? देखो -1 प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 का स्क्वायर। सो ये हो गया 5 माइनस 1 दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस
माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट ऑफ 32, अंडर रूट ऑफ 32, अंडर रूट ऑफ 32 मतलब कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 तो दैट विल बी कितना, 4 अंडर रूट 2, सो दैट विल बी हाउ मच, 4 अंडर रूट 2, ठीक है, क्लियर है, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ध्यान दोगे यहाँ पे हमने नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिया है, किसी भी स्क्वायर रूट को जब आप निकालते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आता है, लेकिन हमने नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, ओके, सो इधर हो गया भाई साहब आपके डिस्टेंस फॉर्मूले से माइनस वन, यहाँ पे हो गया आपका 3 माइनस 7 का स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस 1 प्लस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का स्क्वायर तो ये हो गया 4 स्क्वायर, ये हो गया आपका 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 दैट इज हाउ मच, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, कितना हो जाएगा डिस्टेंस देखो बताइए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन, फटाफट से करना है, डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, हो गया डन, डिस्टेंस ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, आप चाहिए कीजिए, पहला फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, और यहां पे माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, और ये हो गया आपका माइनस बी इसका स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का स्क्वायर, तो यहां पे हो गया आपका टू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर ए का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, फोर बी का स्क्वायर, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, फोर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस फोर को आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा भाई साहब आपका, बस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो अगेन एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, so that will be minus a minus a ka square plus minus b ka square, so this is going to be minus 2a ka square 4a ka square plus 4b ka square 2 into a square plus b square, theek hai, chaliye isko karna hai zara fatafat fatafat, okay, find the distance between the points 00 and 3615, bhai sahab kaise karenge, are bhai sahab kaise karenge, jaldi se bole hai, to ye ho jayega aapka kitna 3615, can you find the distance, नो आई कैन नॉट, चलिए भाई साहब बताइए कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बताइए क्या क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना है, चलिए लिखिए भाई साहब, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच, 36 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर हो गया ये, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 36 का स्क्वायर, हाँ 1296 टोटल, नहीं इसका 1296, ओके, और ये हो गया 225, कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे, 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 1 10 11 12, 2 प्लस 1 3 4 5 1521, ठीक है 1521, तो आप अभी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं भाई साहब, अरे हम तो क्या मालूम, आप तो अभी तो पैदा हुआ है बात, अब हम कैसे निकालेंगे ये स्क्वायर रूट, ओके 800 में सब पढ़ चुके हो भाई साहब, 1521 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, दो बार्स, ठीक है, देन वी हैव व्हाट, 3 3 9, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, 9 प्लस 6 यहाँ पे 621 बचा, यहाँ पे भाई साहब हो गया 3 का डबल 6, ठीक है, आपको देखना है कैसे आपका 1 आ सके, 61 वन जा तो नहीं आएगा, ठीक है, 69 9 जा कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, 6
9s are 54, 54 plus 8, 62 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 61, 1, तो ये हो गया 621, ठीक है, so therefore under root of 1521 is equal to 31. कितने लोगों को इस तरह से division method से square root निकालना आता है? 39, ठीक है, कितने लोगों को आता है भाई साहब, बताइए साफ साफ, हाँ, only 1%, ये square root division method नहीं मालूम है, आपको आता है थोड़ा थोड़ा, और बाकी लोग ना आता है ना सीखना है भाई साहब, ये सेवेंथ एट में सीखा है आपने, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है, ब्लंडर भाई साहब, एब्सोल्यूट ब्लंडर, 1521 है ये, ठीक है, मैं आपको एट स्टैंडर्ड का स्क्वायर रूट का वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, प्लीज देखिएगा उसको, लानत है, मतलब सीखना भी नहीं है, अरे पढ़े रहेगा, जो चीज पढ़ी है पढ़े रहने दो भाई साहब, फंसोगे भाई साहब ऐसे सवालों में। 1521 को क्या करेंगे हम, पेयर्स में डिवाइड करेंगे, तो आपका ये दो पेयर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, हम पहले देखेंगे कि कौन से दो पेयर्स में हम 15 के क्लोज आते हैं, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16 हो जाता है, तो आपका मैक्सिमम क्या जा रहा है, देखो 3 into 3, स्क्वायर रूट डिवीजन आपके नॉर्मल डिवीजन से अलग है, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 3 3s are 9, 9 plus 6 हो गया आपका 15, ये 2 1 एक साथ उतरेगा, जैसे नॉर्मल डिवीजन में आपका एक उतरता है वैसा नहीं होगा, ये दोनों एक साथ उतरेंगे, अभी आप क्या करोगे, इस 3 का डबल लोगे, दैट इज 6, अभी आप देखोगे ये लास्ट वाला क्या है 1, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर तरकीब लगाएं तो हम कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें जो सेम हो आपस में और जिनका आंसर 1 आए, तो हमको मालूम है 1 1s are 1 होता है और 9 9s are 81 होता है, तो 1 1s are 1 करके देख लेते हैं भाई साहब, 61 into 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61, बहुत दूर है हम 621 से, दूसरा क्या है बोलो, 9 9s are 81 होता है, तो 69 into 9 ये क्या हो जाएगा, 9 9s are 81, 9 6s are 54, 54 plus 8 621, तो ये हो गया आपका 69, ये हो गया आपका 9, तो ये हो गया आपका 621, ऐसा सवाल आ गया तो क्या हाथ पे हाथ धरे बेटर होगा भाई साहब, डन तो भाई साहब, क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे ऐसा, व्हाट एल्स विल यू डू, अगर जब मान लो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड नहीं आता है तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई साहब, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, 1521 लॉन्ग मेथड से जाइए, सवाल तो सही करके आइए, यहाँ पे देखो 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, 8 plus 1 9, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे 30% लोगों को या 40 या 50% लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी नंबर को देखकर, अगर वो इवन है तो 2 से डिविजिबल होता है, अगर वो भाई साहब ऑड है तो आप देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी, तो नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5s are 15, 0 3 7s are 21, ठीक है, ये डिविजन भी मैं मेंटली कर रहा हूँ इसलिए आपको आसान लग रहा है, वरना बहुत सारे लोग 1521 को एक्चुअली 3 से डिवाइड करेंगे तो उसमें आपका टाइम जाएगा, ठीक है, 7 plus 5 12, फिर भी 3 से जाएगा, ये 3 1s are 3, 5 से 3 गया 2, 3 6s are 18 और 3 9s are 27, 3 5s are 15, 6 से 5 गया 3 5s are 15, 6 नहीं जाएगा भाई साहब, 9 plus 6, हाँ 13 से जाएगा भाई साहब ये, ठीक है, 13 13s are 169, तो 13 into 13 हो गया आपका 169, तो अपन 1521 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, है ना भाई साहब, 13 into 1, तो अपन अंडर रूट ऑफ 1521 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, सो 2 3 का एक 3 बाहर आया और 2 13 का एक 13 बाहर आया, तो दैट विल बी 39, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम तो ये एक शॉर्ट मेथड है जो आपको अभी तक तो फिलहाल जानना चाहिए था, ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा लॉन्गर मेथड है, इन केस यू आर नॉट एबल टू follow the short method, then you will have to go for the longer method of division. ठीक है, clear है? Okay. Calculate the distance between the two points. The distance between the two points is 39. Are we clear on this one, people? Okay. तो आपका यहाँ पे देखो 36 और 15, तो ये हो गया कितना, x1 y1, तो ये हो गया 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1521, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, दैट इज 39, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी इज 39. ओके, वन सेकेंड है भाई साहब, चलो
चेक वेदर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. आपको यहाँ पे चेक करना है, तू ना वहां पे बैठा मत कर, तू सोता रहता है वरद. वो कोना पकड़ लेगा अगर, और बस झूम रहेगा एकदम से. चेक वेदर 5-2, 6-4 and 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. ठीक है, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है कि नहीं ये चेक करना है. ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे भाई साहब? देखो यहां पे अपने को मालूम नहीं कि कौन कौन से वर्टिसेस हैं. तो लेट्स से हमने मान लिया कि भाई ए है आपका 5-2, बी है आपका 6-4 और सी है आपका 7-2. ठीक है, तो आपका ए बी कितना हो जाएगा बोलो? डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू 6-5 का स्क्वायर प्लस 4-2 का स्क्वायर. सो दैट विल बी हाउ मच? 1 का स्क्वायर प्लस 4+2 6 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर, सो ये कितना हो गया बोलो? 1+36 दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37. तो ए बी का वैल्यू हो गया आपका 37. ठीक है, क्लियर है? बताओ मेरे को ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए सी का वैल्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 7-5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये -2 है और ये -2 है, तो -2 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 7-5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, -2+2 का स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका? 2 का स्क्वायर हो गया 4+0, सो दैट विल बी 2. ठीक है, 4+2 ये हो गया आपका ए सी. ठीक है, फिर बताइए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी सी की वैल्यू ये हो जाएगी कितनी भाई साहब आपकी? 7-5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. ठीक है, बी का स्क्वायर. क्या क्या चल रहा है उधर भाई साहब? हो संजम, हाँ 7-6 और इधर कितना हो जाएगा? -2 -4 का स्क्वायर. ठीक है, 7-6 का स्क्वायर -2-4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब? यहाँ पे बोलो 7-6 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -2-4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? -2 का स्क्वायर. ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +4. तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 4+1 दैट इज 5, अंडर रूट 5. ठीक है, क्या ये सही है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया हमने. ए बी कितना हो जाएगा भाई साहब? 6-5 का स्क्वायर 4-2 का स्क्वायर. हाँ, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कैसे होगा भाई साहब? ठीक है, 4+2 6 का स्क्वायर ही होगा ये तो. हाँ, क्या बोल रहे हो? तो हाँ बोलो, किसमें? अरे किसमें? इसमें 7-5 -2 है ना, मतलब प्लस हुआ ना, तो प्लस हुआ मतलब 0 हो जाएगा. -2 -4 हाँ, -6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, करेक्ट. तो -6 का स्क्वायर मतलब हो गया कितना आपका? 36. ठीक है, तो 36+1 ये हो जाएगा आपका 37. ठीक है, ये हो गया आपका 37. तो अब देखो भाई साहब यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ 37. और ए बी की वैल्यू भी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 37. तो ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 37. दिस इज बेसिकली हाउ मच? 7-6 का स्क्वायर प्लस -2-4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया आपका 37. बी सी हो गया 37, ये हो गया आपका ए सी. ए सी की वैल्यू भाई साहब, दिस इज द वैल्यू फॉर ए सी. ठीक है, तो आपका ए एस ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. ठीक है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी
सी एंड डी एज शोन. चंपा इन चमेली. अच्छा, वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा आज चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. इतना लंबा क्यों दिया भाई साहब? ओके, तो आपका भाई साहब देखो ए बी सी डी ये चार पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है. कैसे करेंगे भाई साहब बताइए फटाफट. ए बी सी डी आपके पॉइंट्स हैं, हाँ, सबको एक प्रूव कर दीजिए. तो कर दीजिए भाई साहब, बी सी, ए बी, ए डी और डी सी, ये सब एक हो जाएंगे. तो ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर अपन निकालेंगे तो वो स्क्वायर प्रूव होता है. लेकिन क्या वो स्क्वायर प्रूव होगा? रोम्बस भी सो सकता है. तो हाँ हाँ भाई साहब, थोड़ा सा और इतना फाड़ना भाई साहब, आधी दुनिया आ जाए उसके अंदर. क्या 90 डिग्री? अब वो कैसे करोगे एंगल 90 डिग्री कैसे करोगे? मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई देखो स्क्वायर तो प्रूव कर दोगे, मतलब ऑल साइड्स इक्वल ये तो प्रूव कर दोगे, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस में भी होता है, तो हाउ विल यू स्पेसिफिकली प्रूव दिस टू बी अ स्क्वायर? सोचिए. हाँ, तो वो तो रोम्बस में भी होता है. अरे पैरेलल कैसे प्रूव करोगे? अभी तक तुमने सीखा ही नहीं है पैरेलल कैसे. हाँ, डायगनल्स आर इक्वल. रोम्बस में तुम देखोगे अगर भाई साहब, रोम्बस में एक देखो ये रोम्बस है, इसीलिए प्रॉपर्टीज को याद रखा करो भाई साहब. रोम्बस है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, प्रॉपर्टीज क्या याद रखेंगे भाई साहब यहाँ पे. ओके, ये रोम्बस है भाई साहब, रोम्बस में भी डायगनल्स आर वॉट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है. और स्क्वायर में भी डायगनल्स आर रोम्बस में भी भाई साहब ये सारे साइड आपके क्या होंगे? बराबर होंगे. स्क्वायर में भी भाई साहब क्या होंगे? ये सारे साइड आपके बराबर होंगे. और यहां पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन यहां पे आपके डायगनल्स इक्वल हैं, ठीक है. ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल इक्वल है. रोम्बस में आपके डायगनल्स बराबर नहीं है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन बराबर नहीं है. एक भाई साहब इज मोर इन लेंथ देन द अदर वन, ठीक है. दिस इज शॉर्टर इन लेंथ, दिस इज लॉन्गर इन लेंथ. तो आपके डायगनल्स बराबर नहीं है. तो आपको यहां पे पहली बात तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सारे डिस्टेंसेस बराबर है, प्लस आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि BD और AC जो लेंथ है वो भी बराबर है, तब जाकर आप कंफर्म से बता सकते हैं कि दिस इज अ स्क्वायर, अदरवाइज ये रोम्बस भी हो सकता है. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पे भाई साहब आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो 3 और ये हो गया भाई साहब 4. इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो? 6 और ये हो गया 1, दैट इज डी, ठीक है. बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ जी, बी का कोऑर्डिनेट फटाफट बताइए. 7 6 7 आपका वाई का है, ये 6 है, तो 6 7, ठीक है. सी का कोऑर्डिनेट बताइए आप, सी का फटाफट फटाफट. सी का कोऑर्डिनेट 4 कहां से आ रहा है? अरे आंखों के अंधे हो या दिमाग से पैदल भाई साहब, ये क्या है? 9 और ये क्या है? 4. 4 को पहले क्यों पकड़ रहे हैं? वो तो वाई है, तो ये 9 और 4 होगा, ठीक है. डी बताइए आप, बताइए. और कहां से इनकी शुरुआत की जाए? हाँ, 6 and 1, ठीक है. इससे इजी और क्या हो सकता है यार, मतलब थोड़ा सा तो इसको एकदम ऑफ करके आओगे तो मैं कैसे तुम लोग को क्या करवाऊं यहां पे? दिस इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट कॉमनेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स. इससे दिया हुआ है यहां पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. किसी एरे गरे नेतु गरे को अगर मैं रस्ते में से पकड़ लू ना, वो भी बता देगा. ओके, तो यहां पे भाई साहब आपका हो गया 6 7 9 4. आई डोंट नो व्हाई एवरीथिंग अपीयर्स टू बी अ रॉकेट साइंस फॉर यू हियर. सब कुछ मतलब ऐसा नासा का कोई कॉन्सेप्ट पड़ रहा है यहां पे. लल्लू बंजू है भाई साहब. ये हो गया आपका डी, ठीक है. आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए ये, दीज आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स. ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर. दैट विल बी हाउ मच? 9 + 9, दैट इज √18, दैट इज 3√2, ठीक है, क्लियर है. इसी तरह से भाई साहब आप क्या फाइंड करेंगे? बी सी, BC को फाइंड कीजिए भाई साहब. आपका BC हो जाएगा कितना? द कोऑर्डिनेट्स आर x1 y, तो आपने यहाँ पे 9 - 6 का स्क्वायर + 4 - 7 का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? अगेन आपका आ गया 18, 18 मतलब हो गया 3√2, तो BC का लेंथ आ गया भाई साहब, ठीक है.
ओके नाउ वी हैव बेसिकली व्हाट सी डी का लेंथ, तो सी डी का लेंथ कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आपका 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 9 + 9 दैट इज 3 अगेन अंडर रूट 2, ठीक है, क्लियर है, ओके लेट अस फाइंड एडी, एडी का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, 6 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 दैट इज अंडर रूट 18 दैट इज अगेन 3 अंडर रूट 2, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये आपके सारे साइड्स बराबर हो गए, तो इससे अपन बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली व्हाट अ स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी क्या पढ़ा रहे हैं उनको हमको तो, हाँ तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी एडिशनली आपको प्रूव करना है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर रोम्बस है तो उसमें भी सारे साइड्स बराबर होते हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड अ स्क्वायर, वहां पे भी डायगनल्स आपके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं वो अनइक्वल इन लेंथ होते हैं और आपके स्क्वायर में डायगनल्स भी आपके पूरे इक्वल इन लेंथ होंगे, तो यहाँ पे डायगनल आपका क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पे डायगनल आपका क्या हो जाएगा बी डी, सो यू हैव टू प्रूव दैट ए सी एंड बी डी आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू आपका भाई साहब 36.6, और इसी तरह से भाई साहब बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, सो दैट इज हाउ मच 36 दैट इज 6, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए सी इज इक्वल टू डायगनल बी डी, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हेंस चंपा इज करेक्ट दैट इट इज अ स्क्वायर, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे सवाल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्वाड्रिलैटरल अगर फॉर्म हो रहा है हो गया डन डन डन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म, तो यहां पे क्वाड्रिलैटरल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो ए हो गया ये -1 - 2, बी हो गया क्या आपका 1 - 0, सी हो गया आपका -1 - 2 और डी हो गया आपका -3 - 0, ठीक है, तो ये आपके कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल दैट विल बी फॉर्म्ड हियर, ठीक है, क्लियर है, ओके सो आपका पहली बात तो देखो यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी इन सबको वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ए बी की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका 1 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 4 दैट इज 8, 8 मतलब हो गया आपका 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये हो गया ए बी की वैल्यू, ओके इसी तरह से भाई साहब बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू हो जाएगी -1
माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका टू माइनस जीरो का स्क्वायर। तो माइनस वन का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो, माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, फोर प्लस फोर एट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एट, दैट इज हाउ मच, टू अंडर रूट टू, ठीक है। ओके, सी डी की वैल्यू फटाफट से भाई साहब कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू का स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस थ्री प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस टू का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, नींद आ रही है, माइनस टू का स्क्वायर दैट इज फोर, माइनस टू का स्क्वायर दैट इज भाई साहब फोर, तो फोर प्लस फोर अगेन अंडर रूट ऑफ एट, दैट इज टू अंडर रूट टू, ठीक है। सी डी ए बी हो गया भाई साहब, बी सी हो गया, सी डी हो गया, और क्या बचा, ए डी, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस टू का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल, हम माइनस थ्री प्लस वन का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू का स्क्वायर, जीरो प्लस टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस टू का स्क्वायर दैट इज फोर, प्लस फोर दैट इज अगेन एट, तो अगेन ए अंडर रूट एट की भाई साहब कितनी वैल्यू हो गई, टू अंडर रूट टू। तो ये तो तय है कि भाई साहब ये सारे साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब या तो ये क्या होगा भाई, क्या होगा ये, हाँ क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही, चारों साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यों रोम्बस नहीं हो सकता, हाँ तो देखो या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस, कैसे डिसाइड करोगे ये स्क्वायर है या रोम्बस, डायगोनल्स, ठीक है, तो डायगोनल्स अगर आपके, तो इसका मतलब अपने को, तो यहां पे ये तय है कि इट विल बी अ स्क्वायर और अ रोम्बस, तो अपन को फटाफट से यहां पे क्या निकालना है, देखो ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी है, तो क्या निकालना पड़ेगा, बी डी और ए सी का लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई साहब बी डी का बताइए फटाफट कैसे हो जाएगा, बी डी विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये आपका हो गया भाई साहब ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, बी डी बताओ फटाफट, माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, माइनस थ्री माइनस वन हो गया भाई साहब आपका माइनस फोर का स्क्वायर हो गया 16, 16 का अंडर रूट हो गया भाई साहब फोर, ठीक है। बी डी की वैल्यू हो गई, ओके, एक डायगनल की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, ए सी विल बी इक्वल टू हाउ मच हम पीपल, हम ए और ये हो गया सी, तो ये हो गया माइनस 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 वन का स्क्वायर प्लस प्लस, बोलो भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, और यहां पे जीरो प्लस टू का स्क्वायर, हाँ ए सी ना, हाँ टू माइनस माइनस टू का स्क्वायर, ये हो गया टू माइनस माइनस टू का स्क्वायर, तो ये हो गया, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका फोर का स्क्वायर, तो दैट विल बी हाउ मच, फोर। तो आप बता सकते हो कि भाई साहब BD की वैल्यू किसके बराबर है, AC के बराबर, तो व्हाट विल दिस क्वाड्रिलेटरल बी, अ स्क्वायर, ठीक है। सिंस सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सिंस ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये भाई साहब अपन बता सकते हैं, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। ठीक है, सो यहां पे हो गया भाई साहब आपका क्या, ए बी, ठीक है, देन वी हैव बेसिकली बी सी, तो आपका इसी तरह से भाई साहब हो जाएगा क्या, सी डी, तो सी डी विल बी इक्वल टू हाउ मच हम पीपल, हम, और ये हो गया भाई साहब आपका, तो ये हो गया आपके सारे पॉइंट्स, ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स, सो ए बी सी डी भाई साहब है, रोम्बस कहां से होगा ये, अच्छा ये दूसरा इसका सवाल आ गया क्या, कि वही सवाल है, बट ए सी कितना आया, अच्छा जी कैसे जीरो आएगा, ए सी जीरो कैसे आएगा, वन माइनस वन कितना आया, जीरो आया ना,
और ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 आएगा ना, तो 4 आएगा ना एसी। तो अपन ने पहले बोला कि ये रोम्बस है क्योंकि रोम्बस में सारे साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं कि बीडी और एसी सेम आ गए हैं डायगनल्स, सो देयरफॉर एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, ठीक है भाई साहब, आज के लिए जाइए।